नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज सीमेंट कंपनी के बारे में, जिसके नाम आप पहले देख चुके हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट देखा जाए तो इंडिया का नंबर वन पोजीशन में रहने वाला एक सीमेंट कंपनी है। मतलब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी नंबर वन पोजिशन में है, और इंडिया के लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी के नाम अभी देखा जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट ही है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। आज के दिन इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे देखने को मिला, और तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर में नाम दाखिल किया है, और साथ ही साथ कौन सा वो ब्रेकिंग न्यूज है और इसका एक नया टारगेट भी यहाँ पे रखा गया है। तो टारगेट कौन सा रखा गया है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके मैं पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन तो मार्केट ऑब्वियसली पॉजिटिव में है। निफ्टी करीबन 1.39% 4% तक तेजी देखने को मिला। इसका कारण जो है आप खुद ही देख लीजिए, एडवांस मतलब जितने सारे 50 शेयर से निफ्टी के अंदर, उनमें एडवांस 46 शेयर है और डिक्लाइन जो है वो 4 शेयर है। मतलब ज्यादातर कंपनीज एडवांस में है और कुछ कंपनीज यहाँ पे डिक्लाइन में है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के बारे में तो आज जितने सारे कंपनीज है वो ज्यादातर एडवांस में है। तो उनमें से नंबर वन पोजिशन में मतलब टॉप फाइव आज गेनर के नाम में जिसका नाम आ जाता है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। क्योंकि देखिए 3.5% से भी ज्यादा इस कंपनी ने तेजी देखने को मिला। तो यहाँ पे 3.5% का तेजी के पीछे कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा। वो रीजन कौन सा है उसके बारे में चलो बात कर लेता है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो हाई था 8 नवंबर 2021 में 8,269 इसका हाई था, और लो भी किया था देखिए 8 मार्च 2022, मतलब फिलहाल इसी मंथ में एक हफ्ता पहले कंपनी ने लो किया था, 52 वीक का लो किया था करीबन 5,629। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फिगर जो आपको देखने को मिला, तो मेरे हिसाब से कंपनी अभी देखा जाए तो बीच में ही अभी काम कर रहा है, मतलब हाई और लो के बीच में ही काम कर रहा है। और साथ ही साथ कंपनी का आज के दिन का जो डिलीवरी रिपोर्ट है करीबन 52% तक डिलीवरी उठाई गया। देखिए इतना अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है, इसका मतलब कंपनी में तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी चल रहा है, जिसके लिए आज के दिन इतना शानदार डिलीवरी भी उठाया जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं वो कौन सा वो पॉजिटिव न्यूज आया जिसके लिए आज के दिन डिलीवरी भी शानदार है, और कंपनी में आज के दिन 8050 का टॉप गेनर भी इस नाम में इसका नाम शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक टारगेट के बारे में जरूर बात करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक टारगेट अच्छा खासा रखा गया है। तो कौन सा वो टारगेट है जिस टारगेट को यहाँ पे आपके सामने रखा गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई अल्ट्राटेक सीमेंट जिसका टारगेट प्राइस है कितना 6,350, और कौन सा दिन टारगेट दिया है आज के दिन 16 मार्च 2022 सुबह मार्केट ओपन होने से पहले इसको टारगेट रखा गया है। और देखिए टारगेट किसने दिया, ये सिक्योरिटीज में पिछले दिनों में भी आपको एक वीडियो बनाकर दिया था, और ये सिक्योरिटीज ने बहुत सारे टारगेट देते हैं बहुत सारे कंपनी में। तो बहुत सारे दोस्त ने उस वीडियो में कमेंट भी किया कि सर इस तरीके से टारगेट दिया जा रहा है क्या, इस तरीके से टारगेट को फॉलो करना चाहिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं इस एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, देखिए कोई भी कंपनी अगर टारगेट दे रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए हो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो वो तो कंपनी को खुद को पता है, किसी को वो बताता नहीं, और रिपोर्ट के जरिए वो कुछ चीज मतलब डिस्कस भी नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट एक्चुअली रखा जा रहा है, जितने सारे टारगेट यहाँ पे रखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टारगेट वो कंपनी खुद के ओपिनियन से बता रहा है, मतलब खुद का जो रिसर्च टीम है उन्होंने टारगेट रखा है, वो टारगेट जा भी सकते हैं ना भी जा सकते हैं। तो क्यों टारगेट रखा उसके बारे में तो थोड़ा सा जानकारी तो जरूर कंपनी देते हैं। देखिए ये सिक्योरिटीज बाय कॉल अल्ट्राटेक सीमेंट में एक इस यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा एक चीज, ये सिक्योरिटीज आप सभी जानते हैं येस बैंक का एक म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट का सिक्योरिटीज कंपनी है, मतलब सिक्योरिटीज मतलब जो म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट में है काम करते हैं। तो उन्हीं का टारगेट यहाँ पे है विथ ए टारगेट प्राइस 6,350,
तो एक्चुअली आज के दिन का जो ओपनिंग था वो 6120 था, और 6120 करीबन देखा जाए 6120 इसका लो था, और हाई था कितना 6000 सॉरी टारगेट कितना रखा गया 6350। मतलब ओवरऑल बात करूं कंपनी का टारगेट अभी भी 100 करीबन देखा जाए तो सॉरी करीबन 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 देखा जाए 230 पॉइंट तक अभी टारगेट बाकी है। तो यहाँ पे जो टारगेट रखा गया है, मैं बार बार आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि इस टारगेट को फॉलो करने से पहले आप एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि इस तरीके से टारगेट बहुत टाइम देखा गया है रिटेल निवेशक को ट्रैक करने के लिए, मतलब ट्रैक में फंसाने के लिए इस तरीके से टारगेट रखा गया है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सिक्योरिटीज इस तरीके से काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये सिक्योरिटीज एक दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो अच्छा खासा टारगेट भी रखते हैं और बहुत टाइम वो पॉजिटिव भी रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्राइस रेंज, करंट प्राइस रेंज था जब मार्केट ओपन होने से पहले 6020 था, अभी इसका टारगेट है 6350। तो ऑलमोस्ट आज के दिन करीबन देखा जाए तो चार मतलब अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला, करीबन 4% तक प्रॉफिट बुकिंग हो ही चुका है। और यहाँ पे जो टारगेट रखने का जो कारण है, कंपनी बता रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2020 2000 लार्ज कैप कंपनी तो बन ही चुके हैं, साथ ही साथ 1,70,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो पहले ही बता दूं कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक बड़ा कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी का जो सेक्टर है उस सेक्टर के लीडर है कंपनी, तो इसीलिए इस कंपनी अगर इस खराब सिचुएशन में गिरा थे तो इसीलिए उन्होंने टारगेट रखा। क्योंकि देखिए मैं आपको इस कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो करीबन देखिए 1 मंथ में 12% तक लॉसेस कंपनी किए दिए थे, 6 मंथ में देखा जाए तो 18% तक लॉस दिया था, और 1 साल में कंपनी ने 5% तक लॉस दिया। देखिए अभी तक तो ठीक थे, और अभी फिलहाल जो सिनेरियो चेंज होने वाला है, 5 साल में कंपनी देखिए किस तरीके से शानदार एक रैली दिखाया, करीबन 55% का रिटर्न दे चुके हैं, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 2200% का रिटर्न दिया। तो एक शानदार रैली है इस कंपनी में, तो इस कंपनी में मुझे बहुत पॉजिटिविटी लगता है। फिर भी देखिए लार्ज कैप मतलब एक ब्लू चिप कंपनी है, क्योंकि 1800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन सॉरी 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी के पास, और इस कंपनी के बारे में जितने बात करूं उतना ही कम पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एवरेज लेवल में है। कंपनी का एनुअल इनकम भी शानदार है, 5,000 करोड़ से भी ज्यादा, डेप भी देखिए 15,000 करोड़ है, मात्र 33.33% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब उतना ज्यादा डेप्थ ऑफ इक्विटी भी नहीं है। प्रोमोटर के पास 60% होल्डिंग है, और प्लेजिंग कंपनी ने ही करके रखे। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो 10,600 करोड़ का टोटल कैश है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो 225 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहा है, देखिए कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी नंबर वन पोजीशन में है, अभी तक है, बाद में भी शायद रहेगा, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलेशन 1,80,000 करोड़ से भी ज्यादा है, और उसके जितने सारे कंपटीटर है वो अभी तक देखिए 1 लाख तक पहुंच नहीं पाया। तो इसीलिए मैं बात जरूर इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि कंपनी काम जिस तरीके से करते हैं प्रॉफिट भी उसी तरीके से करते हैं। आप देख सकते हैं हर साल में कंपनी प्रॉफिट करते जा रहा है, हर क्वार्टर में कंपनी शानदार प्रॉफिट कर रहा है। हाँ, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है कंपनी को, इंटरेस्ट पे करने के बाद भी अगर कोई कंपनी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट करे तो एक्सपेंस भी देखिए, इनकम भी देखिए, सारे के सारे पॉजिटिविटी में है। जिस तरीके से इनकम किया उसी तरीके से एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, और कर्जा देने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट भी अच्छा खासा बचा। देखिए कोरोना के सिचुएशन में आप लॉकडाउन के टाइम में देखिए, यहाँ पे देखिए लॉकडाउन के टाइम में ये जो पीरियड था मेन लॉकडाउन का पीरियड था, इस पीरियड में भी कंपनी देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट किया। हाँ, लॉकडाउन होने के बाद मतलब मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जो क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला था जून मंथ में देखिए कंपनी प्रॉफिट किया, लॉस नहीं किया, 794 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो अच्छा खासा एक ग्रोथ मेंटेन करते हैं कंपनी। कंपनी आपको रिटर्न देखिए हमेशा पॉजिटिव में रिटर्न दिया, 15%, 8%, हाँ अभी 1 साल में 9% तक लॉस दिया, तो वो भी रिकवरी कर देगा, क्योंकि खराब सिचुएशन में हमेशा स्टॉक नेगेटिव में रहते हैं और उसके बाद फिर से रिकवरी कर देते हैं। तो एवरेज इस कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करें तो 15 से 20% तक रिटर्न आपको सालाना मिलते हैं। देखिए ब्लू चिप कंपनी में आपको इसी तरीके से रिटर्न हमेशा मिलता रहेंगे, मतलब
सब सब कंपनी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जो दिग्गज कंपनी है मान के चले रिलायंस और टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, इस तरीके से कंपनी के बारे में आप देखेंगे तो सेम टू सेम अल्ट्राटेक सीमेंट आपको 20 से 25% तक आपको रिटर्न मिलता रहेंगे। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं तो जरूर लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, क्योंकि देखिए एफआईएस, डीआईएस और प्रोमोटर सारे के सारे जितना ही माल पहले से ही खरीद के रखे थे अभी भी होल्डिंग उसी तरीके से है, इंक्रीज किया है, डिक्रीज नहीं किया। और पब्लिक देखिए पहले भी 10% था, अभी 9% हो चुके हैं। तो हर इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।